हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज मैं आपको एकदम इजी वे में एक बहुत से ब्यूटीफुल फ्लावर पार्ट बनाना सिखाने वाली हूँ, जिसके लिए सिंपली हमको कुछ कलर्ड पेपर की ज़रूरत होगी, सीजर, मार्कर, स्केल और बेसिक स्टेशनरी की ज़रूरत होगी। कुछ नहीं चाहिए, बस सिंपली हमको एक अपने किसी भी जिस देखिए मैं यहाँ पे मल्टी कलर फ्लावर पॉट बनाने वाली हूँ। अगर आपको एक ही कलर का चाहिए हो तो आप उसी कलर का पेपर ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं मल्टी कलर बनाऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे पेपर लेंगे, उसे ट्रायंगुलर शेप का ऐसा कर लेंगे। पहले तो हमको दोनों साइड को नाप लेना है, पहले स्क्वायर शेप का, फिर इसको ट्रायंगुलर शेप में कर देंगे और फिर कुछ देख लेंगे बराबर है कि नहीं, बराबर फोल्ड कर लेंगे। और इस टाइप में जैसे मैं इसे फोल्ड करती जाती हूँ, वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको भी अपने पेपर को फोल्ड करना है। और यहाँ पे मैं राउंड शेप की लीफ ले रही हूँ, आपको जिस भी शेप की लीफ चाहिए आप उस शेप को यहाँ पर ड्रॉ करके सीजर की हेल्प से कट कर सकते हो। तो मुझे राउंड शेप की चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर राउंड शेप की ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे और हमारा कुछ इस टाइप का फ्लावर रेडी होगा। ये फ्लावर हम ऐसे ही नहीं लगाएंगे, हमें ऐसे ही खूब सारे बना लेना है। फिर मैं इसके आगे का आपको प्रोसेस बताऊंगी कि इन फ्लावर्स के साथ भी हम लोग कुछ DIY करेंगे। तो देखो मैंने सारे मल्टी कलर के अपने फ्लावर्स बना लिए हैं। अब चलो फ्लावर बन गए हैं, आप बनाना शुरू करते हैं स्टेम। तो स्टेम बनाने के लिए लेंगे हम लोग ग्रीन कलर का पेपर A4 साइज़ का और उसे बराबर में फोल्ड कर देंगे। बराबर में फोल्ड करने के बाद में इसे जहाँ से हमारा फोल्ड हुआ है उस साइड से हम इसे कट करना शुरू करेंगे। कट पूरा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा हमें गैप दे के कट करना है, कुछ इस टाइप में जैसे मैं कट कर रही हूँ। तो चलिए इसे हम लोग पूरा कम्प्लीटली कट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे दो ओपन करना है और उल्टी साइड में मैं फोल्ड कर देना है। तो चलिए मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। अभी क्या करेंगे, हम लोग लेंगे फेविकोल और फेविकोल की हेल्प से पहले तो जो साइड हमारी ओपन है उसे हम लोग फेविकोल लगा कर क्लोज कर देंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे। अच्छे से फेविकोल लगा के मैंने इसे क्लोज कर दिया है। अभी क्या करेंगे, अभी इसे हम ऐसे ऐसे रोल करते जाएंगे और फेविकोल लगाते जाएंगे तो हमारा ये बहुत सुंदर सा एक स्टेम रेडी हो जाएगा जिसमें हमने फ्लावर लगाएंगे। तो ऐसे रोल करा है मैंने पूरा और इसमें ऐसे ये कुछ इस टाइप का है, पर ये भी इसे हम लोग जब पेस्ट कर लेंगे तो ये अपने आप खिल जाएगा, इसमें फ्लावर्स वगैरह लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर कप लिया है जिसमें हमको ऐसे रख देंगे। अभी लेंगे अपने फ्लावर्स और फ्लावर्स में जो एक लीफ है फ्लावर की उसको ऐसे कट कर देंगे। अब वो किसी भी साइड की हो सकती है। तो ऐसे ऐसे कट करने के बाद में क्या करेंगे, ग्लू लेंगे और एक पत्ती पे ग्लू लगा देंगे। ऐसा फ्लावर हमारा बड़ा सिंपल सा लग रहा था तो इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है। और अभी भी थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, इसीलिए अब क्या करेंगे, हम लोग इसे और डेकोरेटिव बनाएंगे, पर वो बाद में करेंगे, उससे पहले हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट कैसे करना है वो भी मैं बताती हूँ। अपने फ्लावर्स को पीछे से उसमें कोन होती है, थोड़ा सा उसे दबा दे ताकि चिपक जाइए और स्टेम्स में जो ये हमको चिपका देना है। इतना सुंदर बनाना फ्रेंड्स, आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत इजी टू मेक है और कुछ इस टाइप का हमारा रेडी हो गया है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। अब थोड़ा सा इसे और डेकोरेटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे थर्माकोल बॉल ले रही हूँ और इन थर्माकोल बॉल्स को हम लोग ग्लू की हेल्प से मैं पेस्ट कर देंगे। और देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। आप लोग भी इसे ऐसे ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप स्कूल में स्कूल प्रोजेक्ट है तो आपको ही फर्स्ट प्राइज़ मिला है, बहुत अमेजिंग बनता है। आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करना, बहुत जल्दी बन जाता है। अब गुलदस्ता बन चुका है, अब इसका बारी है गमला बनाने का। तो थोड़ा सा मैं इसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे टेप लगा रही हूँ, वो आपकी चॉइस है। अगर आप टेप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टेप लगा दिया है फॉर द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कि हमारे फूल इधर उधर ना भागे। अब चलिए इसका गमला भी तैयार कर लेते हैं। तो जो मैंने पेपर कप लिया है उसी को हम लोग गमला बनाने वाले हैं।
तो क्या करेंगे, अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव तो लगना ही चाहिए, इसलिए मैं ग्लिटर शीट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो। तो ग्लिटर शीट को हम लोग अपने कप पे ऐसा फोल्ड करके पूरा पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारा ये पूरा पेस्ट हो चुके हैं। और पेस्ट होने के बाद में ये रहा हमारा गुलदस्ता। हमारा ये पूरा फ्लावर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोग भी ज़रूर से इसे ट्राई करना। और ये देखो इसका क्लोजअप व्यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर, बाय बाय।